देखो राम राम, स्टालिन में जो इंजन है हिनो का, उसका टाइमिंग है फ्रंट से। ये गियरों की टाइमिंग बताएंगे पहले, कहाँ से कौन सा मैश होगा। सबसे पहले ये गियर बताऊँगा कौन कौन से गियर हैं। क्रैंक का गियर है, आइडलर गियर, ऑयल पंप और ये कैमशाफ्ट, ये हो गया पंप का गियर। अब इसमें पहले बताएंगे जो मार्क हैं, ये क्रैंक का और आइडलर का। क्रैंक में 1-1 लिखा है एक दांते पे, और आइडलर वाले गियर में 1-1 है। इन दोनों के बीच में मैच हो जाएगा जैसे दिख रहा है। इधर आइडलर गियर और ऑयल पंप 2-2 मैच हो जाएंगे, और ऑयल पंप और कैमशाफ्ट का 1-1 मैच हो जाएगा ये। अब इधर आते हैं पंप में, पंप का जो गियर है इसमें 3-3 मैच हो जाएंगे। तो ये होगी गियरों की जो मैशिंग है किस प्रकार से की जाएगी। गियर टाइमिंग, जो गियर टाइमिंग है इसकी एक बार फिर बता देता हूँ। जो क्रैंक का गियर है उसका 1 और आइडलर गियर का 1, जो दोनों हैं ये गियर मैश होंगे। ऑयल पंप का 2 और आइडलर का 2 में मैश होगा, और ऑयल पंप और कैमशाफ्ट का गियर में 1-1 लिखा है ये मैश हो जाएंगे। इधर पंप का FIP पंप का जो वो है गियर है 3-3 में मैश हो जाएंगे। ये हो गया टाइमिंग गियर की, जो मैशिंग है कौन से मार्क में होनी चाहिए। अब आगे बताएंगे जो टाइमिंग प्लेट है इसमें जो बोल्ट है उसमें क्या सावधानी रखी जाएगी, आइडलर गियर कैसा फंसाया जाएगा। थोड़ी देर में ये आइडल गियर खोल दिया है जिसपे ये ना इसका स्पेशल ये लगा था इसके ऊपर, आइडल गियर के ऊपर। तो पहले ये स्पेसर डलेगी, ये डाल दिया स्पेसर, फिर ये डाल दिया आइडल गियर जिसपे बैठता है, और ये जो कट है ऊपर ही रहेगा, फिर ये आइडल गियर ऐसे डल जाएगा, आइडल गियर ये डल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा क्या ध्यान देना है, ये जो टाइमिंग कवर की जो बोल्ट हैं, ये ऑयल पंप में जो बोल्ट लगे इसमें तो वासरे हैं, लेकिन जो आइडल गियर वाला है, आइडल गियर जिधर रहता है ये, इसमें इसके नीचे वासरे नहीं है। ये कट भी बन रखा है, देख सकते हैं ये भी कट बन रखा है, ये भी कट बन रखा है। तो इसमें क्या है, वासरा नहीं डलेगा। अगर ये ऊपर आ गया तो ये जब गियर लगाएंगे तो लगेगा नहीं, और ये अटक जाएगा तो प्रॉपर घूमेगा नहीं। तीन बोल्ट, इसलिए ये ध्यान देना है। 3 जो बोल्ट है, एक इधर, इसमें छेद भी बना है, इसमें 2 भी छेद बना है। ये अगर हमने गलत लगा दिया, ऐसे मान लो कि वासर में लगा दिया, तो इंजन को लॉक कर देगा, इंजन कभी घूमेगा नहीं, और हमें समझ में नहीं आएगा कि इंजन लॉक हुआ कहाँ से। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने बता भी रखा है, देखो छेद है, इसमें गड्ढा दे रखा है, इसमें भी गड्ढा दे रखा है, इसमें वासर नहीं डालनी है, ये थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद।